शिवराज सरकार ने आगामी त्यौहार गणेश उत्सव, जन्माष्टमी, मुहर्रम और 15 अगस्त को लेकर विशेष गाइडलाइंस जारी की हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इनके आयोजन पर कई तरह की बंदिशें लागू हो गई हैं। त्योहारों के दौरान सार्वजनिक आयोजन और जुलूस की अनुमति नहीं होगी। स्वतंत्रता दिवस का आयोजन भी सीमित रूप से किया जाएगा। मंत्री जिलों में नहीं जाएंगे। निजी संस्थाओं को भी कार्यक्रम के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अनुमति लेनी होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी, साथ ही बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण काबू में है। कोई भी कार्यक्रम में किसी भी पंडाल लगाने की या बड़ी मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी आयोजन परिवार के अंदर, घर के अंदर ही संपन्न करें, पूजा आराधना। किसी भी स्थान पर, धार्मिक स्थान पर, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में एक बार में 5 से अधिक लोग आरती वगैरह में शामिल न हो। को जो कार्यक्रम सार्वजनिक होता था, जैसा पूर्व में तय किया था कि सभी मंत्री अब भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में रहेंगे, जिलों में नहीं जाएंगे। जिलों के अंदर होने वाले कार्यक्रम की जो प्रदेश सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है वही होगा। उसमें जो बच्चे आते थे, स्कूल के रंगारंग कार्यक्रम होते थे, वो सब इस बार प्रतिबंधित हैं। आज 734 हमारे नए केस आए हैं प्रदेश में और 719 रिकवर होके डिस्चार्ज भी हुए हैं। आप कल की भी देख रहे होंगे और पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे, डिस्चार्ज होने की संख्या अच्छी है। रिकवरी रेट हमारी 73% के ऊपर मध्य प्रदेश में है। देश में हम 16वें नंबर पर। अगले हफ्ते से हमारी कोशिश होगी 30,000 टेस्ट रोज हों। एंटीजन टेस्ट की संख्या को भी हम बढ़ा रहे हैं।